अभी आपने देखा होगा कि अभी संतोष पाठक ने यहाँ पे अपने चुनाव प्रचार के दौरान अभी एक आरोप लगाया कि उनकी लड़ाई न तृणमूल से है, न भाजपा से है, न वो शेर छाप से है, उनकी लड़ाई महेंद्र जलान से है जो उन्हें हराने के लिए यहाँ लाखों रुपया बहा रहे हैं। ऐसे ही महेंद्र जलान से प्रताड़ित एक आदमी हमारे संग है जिनका नाम ललन प्रसाद कहार है, जिनकी दो दुकानें हैं वहाँ पे, अभी वो बताएंगे, दो क्वार्टर है इनका, वो बताएंगे आपको कि किस तरीके से संतोष पाठक उनकी मदद कर रहे हैं और किस तरीके से पैसे के दम पे महेंद्र जलान यहाँ पे ये पैसे के खेल से संतोष पाठक को हराने की कोशिश कर रहे हैं। आइए हम उन्हीं से जानते हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले मुझे एक चिट्ठी आया कि आप यहाँ से तुम लोग सब यहाँ से छोड़कर चले जाओ, 1000 रुपया स्क्वायर फुट लो, यहाँ से भाग जाओ। तो हम लोग यहाँ पर 67 सालों से, मेरे पिताजी के समय से हम लोग यहाँ पर दुकान और व्यवसाय से हम लोग अपना परिवार चला रहे हैं। तो मैं संतोष पाठक जी के पास में गया और कहा कि भाई ऐसा ऐसे लोग कह रहे हैं, हम लोग को यहाँ से जबरदस्ती निकालना चाहते हैं, हम लोगों को भगाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ललन भैया, आप चिंता मत कीजिए, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई अलान जलान आपको आपका दुकान और आपका घर से नहीं निकाल सकता। तो मैं बहुत संतुष्ट हुआ। साथियों, हम लोगों ने इसके प्रतिवाद में हम लोगों ने अपने 23 नंबर गली में एक छोटा सा सभा और छोटा सा जुलूस हम लोग किया था, दुकानदार और टेनेंट्स मिल कर करके। तो इसके लिए उन लोगों ने थाना में झूठा केस किया कि हम लोग को वहाँ का बाड़ी वाला लैंडलॉर्ड के हम लोग को ऊपर में इन्होंने हाथ उठाया, झमेला किया, ऐसे झूठे आरोप कर करके हम लोग ऊपर झूठा केस करवा करके हम लोगों को फंसाना चाहता है, हम लोगों को ज़बरदस्ती हटाना चाहता है गुंडाओं के माध्यम से, गुंडागर्दी के माध्यम से। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि जब तक हम लोगों का पार्षद संतोष पाठक हम लोग के साथ में रहेंगे, तब तक हम लोगों को कोई भी हम लोगों के ऊपर अत्याचार जुल्म नहीं कर सकता, कोई भी हम लोगों को यहाँ से हटा नहीं सकता, कोई भी हम लोगों को भगा नहीं सकता।